Hello, my dear student. We have started learning IUPAC nomenclature for polyfunctional organic compounds. This is now lecture number 32. तो देखेंगे कुछ examples उसके. Directly we will go to the example of IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds there. तो अभी ये अगर example हम लेते हैं. Give IUPAC name for CH3CHOH, CH2CH3COH. तो यहां पे हमें एक चीज मालूम हो गई है, दो फंक्शनल ग्रुप्स है, कौन से, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कौन सा है, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो क्या करेंगे अभी, इसमें चीफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, चीफ इसको पहले सॉल्व करके लेंगे, सीधा करके लेंगे CH3CHOH, CH2 तीन बार है, 1, 2, 3 और ये COOH. तो चीफ फंक्शनल ग्रुप ये है, OH इज नॉट. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बिल्कुल ध्यान से देखो, उसमें COOH नंबर एक में आता है, प्रायोरिटी है उसकी पहली. तो ये अल्केनोइक एसिड हो गया, तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कार्बन, नो डाउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब बताओ दूसरा OH जो है वो कहां पे है, OH इज एट कार्बन नंबर 5, सो इट विल बी कॉल्ड एज 5-hydroxy हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड. ओके, अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ऑइक एसिड का पोजीशन देने की जरूरत नहीं क्या, अगर दिया तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5-hydroxy हेक्सेन ई निकाल दिया है, 1-ऑइक एसिड, ये बता दिया तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये कुछ ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है या पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, और जहां भी ये होते हैं टर्मिनल में, एक तो ये टर्मिनल पे या ये टर्मिनल पे, वहीं से नंबरिंग की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा रूल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली टू राइट नंबर 1, पर लिखा तो भी वो एक्सेप्ट किया जाएगा. ओके, अब चलो ये तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, 5-hydroxy. समझो ऐसा मेरे पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड OH. अब देखो यहां पे क्या क्या है, इसका IUPAC नाम हमें देना है, ये भी को ऐसे मन से लिख दिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड OH. यानी यहां पे तीन फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं बताओ, 1 इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, 1 इज कीटोनिक ग्रुप, 1 इज क्लोरीन. तो क्लोरीन की तो बात छोड़ दो, क्लोरीन के बारे में हमने कहा है इट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स, पर अब कॉम्पिटिशन आती है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चेक करो ना एक बार, आपको मिल जाएगा ऑर्डर, फिर एक बार लर्न इट बाय हार्ट करो क्या क्या मैंने बताया था, आपको अभी याद आ रही है नहीं रही, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसी है, COOH 10 मैंने दिए थे एग्जांपल, COOH COOR देन COOH के बाद COOR है क्या, नहीं, उसके बाद में क्या है, COOH SO3H COOR COCl CONH2 ये हो गए 5, CONH2 के बाद में CN साइनाइड, साइनाइड के बाद में आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में आता है कीटोन, कीटोन के बाद में आता है OH, OH के बाद में आता है व्हाट इज दैट पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C और उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड C. ये ऑर्डर अगर देखते जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर प्रेफर्ड ओवर द कीटोनिक ग्रुप, यानी यहां पे चीफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आ गया, यानी द नेम शुड बी अल्केनल एंड नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस,
this is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, this is number 5. So this is 2-chloro. 2-chloro-4-oxo कहते हैं. Whenever ketonic group is written in the form of subsidiary functional group, its name will be written in the form of oxo. Okay? 2-chloro-4-oxo. 5 carbon है तो pentanol. Since there are 5, this will be correct answer. Pentanol. यहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप के नंबर देने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. जितने एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. सो ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल्स व्हेनेवर आस्क. उसको बिल्कुल ऐसा मत समझो कि ये कुछ कठिन काम है, ऐसा नहीं है. अब इसके बारे में एक और एक सब्सिडरी रूल मैं बताना चाहूंगा. ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में तो नहीं आते, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही है. यहां पे भी दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही है, यहां पर भी एक ही है. बट वेन एवर टू और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, तो उसके लिए आईपीसीसी ने रूल क्या दिया है. देखो अभी इसको क्या है, ये CH2OH, यानी इट इज एक्चुअली लाइक दिस CH2OH या ऐसा कंपाउंड है. ओके, CH2OH. अब इसका नाम क्या देंगे? ये तो डाई अल्कोहल हो गया, दो अल्कोहलिक ग्रुप आ गए यहां पे. सो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सिलेक्टेड कार्बन चेन. सिलेक्टेड कार्बन चेन में कितने कार्बन है? एक और एक, दो. दो कार्बन है, यानी वो इथेन है. और दो ओएच ग्रुप है तो वो डबल अल्कोहल है, डायोल कहते हैं इसे. तीन है तो ट्रायोल कहते. तो इसका नाम क्या आएगा? देखो दोस्तों, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, सो दिस विल बी कॉल्ड एज इथेन -1,2-diol. ये इथेन 1,2-diol बोल के पहचाना जाएगा. यहां पे एक पॉइंट के ऊपर हमें अच्छी तरह से गौर करना है. फॉर दैट पॉइंट गिवन, इन दिस केस the ending ne or e of that name of alkane is not removed. जैसे alkanol में हम करते हैं, जहां पे हमको नाम देना है, समझो ये नाम हमें देना है C2H5OH, CH3CH2OH. इसका नाम मुझे आपको अगर मैंने पूछा तो आप क्या बताएंगे? सर ये तो एक और एक दो कार्बन है, दो कार्बन है यानी इथेन है, तो इथेन के नाम से ई निकालेंगे, वहां पे रख देंगे ओएल. सो इट विल बी कॉल्ड एज इथेनॉल. व्हाट द नेम ऑफ दैट? इथेनॉल, यानी ई निकाला है. बट व्हेनेवर देयर आर प्रेजेंट टू और मोर देन टू ओएच ग्रुप्स एट दैट टाइम ई विल नॉट बी रिमूव्ड. इट विल बी नेम्ड एज फुल नेम ऑफ अल्केन शुड बी गिवन. यहां पे इथेन 1,2-diol, ओके, या प्रोपेन 1,2-diol, जो भी होगा, या ब्यूटेन 1,2-diol, जो भी होगा. वो अल्केन का नाम हमें यहां पे पूरा लिखना है, दैट इज नॉट टू बी इलिमिनेटेड. ओके, ये बात ध्यान में रखोगे आप, बहुत ही सिंपल. उसके बाद में अभी ये अल्किन और अल्केन में फिर रूल थोड़ा चेंज किया. अब देखो यहां पे दो डबल बॉन्ड है तो इसे डाइन कहते हैं. व्हेनेवर टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर देयर, इट विल बी नेम्ड एज डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, लाइक दिस. यानी कितने नाम है वहां पर, कितने डबल बॉन्ड है उसके ऊपर. दो डबल बॉन्ड है तो डाइन, तीन है तो ट्राइन, चार है तो टेट्राइन. सिंपल है. अब देखो यहां पे दो ही डबल बॉन्ड है, 1,2,3,4, 1,2,3,4. तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम देते हैं ब्यूटा-1,3-डाइन, या उसे ब्यूटा डाइन भी कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वही आने वाली है, 1 और 3. एक और दो नंबर के बीच में पहला डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में दूसरा है,
दो डबल बॉन्ड से, इसलिए डाइन है वो। पर अगर यहां पे नाम के बारे में अगर देखना है अल्केन के, तो जरूर देखो पूरा नाम यहां पे नहीं लिखा है, ब्यूटेन 1,3-डायन ऐसे नहीं कहा है, खाली ब्यूटा लिया है, एनई निकाल दिया है। सो यहां पे एनई निकाल दिया है एंड नाम क्या आ रहा है, ब्यूटा 1,3-डाइन। ओके, अब वैसे ही इसका नाम आप आराम से दे सकोगे, ये अल्केन है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये पेंटा, पेंटा डैश 1,4-YNE, पेंटा 1,4-YNE विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस। सो ट्राई टू लर्न द रूल्स एंड द सब रूल्स, जितने ये रूल्स हम अच्छी तरह से जान लेंगे उतना ही हमारा काम इजी बन जाएगा। ओके, बिकॉज एमसीक्यूज आर ऑलवेज आस्क देयर इन द जेईई एंड इन द नीट एग्जामिनेशन, सीट एग्जामिनेशन ऑन द आईपीसी नॉमिनेशन। ओके, ऑल्सो इन सीबीएसई एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल बी देयर ऑन आईपीसी नॉमिनेशन, तो जरूर इसके ऊपर आप स्टडी करो अच्छी तरह से। ओके, थैंक्स अ लॉट। Please like this video, share this video and subscribe my channel if still not subscribed. Thanks a lot.